हेलो दोस्तों, दोपहर की नमस्कार। तो बस चाय वाय हो चुकी है मेरी, मैंने फिर खींची तले दोपहर को। तो बस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दोपहर को बैठकर अपने नाखूनों को काट रही हूँ। तो ये देखिए, और सीधे हाथ के, ये उल्टे हाथ के हैं तो ये मैं बढ़ाकर रखती हूँ, और ये सीधे हाथ के हैं तो इनको मैं काट दूँगी, क्योंकि सारे काम मैं इसी हाथ से करती हूँ। तो इस हाथ के नाखून बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए। मैं बागवानी भी करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, तो और भी, तो इससे मेरे नाखूनों में गंदगी जाती रहती है। तो एक हाथ के मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ और एक हाथ के मैं बढ़ा के रखती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है नाखून बढ़ाने का, तो उल्टे हाथ के नाखून मैं बढ़ा कर रखती हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे पास नेल पॉलिश नहीं है, नहीं तो मैं नेल पॉलिश भी लगा कर रखती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर बैठकर अपने नाखून काट रही थी। तो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे दोपहर की ब्लॉग का। तो आज का दोपहर का ब्लॉग है फ्रिज के बारे में है, कि अगर फ्रिज ना हो तो हम सब्जियों को कैसे संभाल कर रखें। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोपहर की, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि जिसके यहाँ फ्रिज ना हो या फ्रिज के बिना सब्जियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो वैसे तो दिक्कत है रखने में फ्रिज के बिना, लेकिन एक मैं बताऊंगी आपको, ये है आइस बॉक्स मिलते हैं बाजार में, इस तरह के जिनमें दवाइयाँ भी रखी जाती हैं, आइस भी रखी जाती है, तो इस तरह के मिलते हैं। आजकल कितने मिलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह के बाजार में मिलते हैं। इनमें आप बर्फ रखें, थोड़ी आइस रख दें और उसके ऊपर सब्जियां रखते हैं, जैसे टमाटर है या जो खराब होने वाली सब्जियां हैं वो रखते हैं। आलू वगैरह तो वैसे ही किचन में रखते हैं हम, छबड़ियों में, खुली छबड़ियों में। तो इस पर आइस इसमें डाल के और इसमें आप सब्जियां रख सकती हैं, कम से कम 2-3 दिन की सब्जी तो आपकी आराम से आ जाएगी। तो मैंने एक, मेरी पड़ोसन थी, उनकी मैं बात बताती हूँ, 5 से 30 साल पहले की बात है। तो वो यहाँ रहा करती थी हमारे घर, उनके यहाँ फ्रिज नहीं था। तो वो दिन में 10 बजे तक जिनके घर में फ्रिज था उनसे आइस लेके जाती थी, और रात को भी आइस सबसे मांग के ले जाती थी और अपनी आइस बॉक्स में रखती थी। तो ठंडा पानी भी चाहिए या शरबत बनाना है या शिकंजी बनानी है, उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी। तो एक दिन मैं उनके घर गई तो मैंने देखा कि उनको आइस बॉक्स भरा हुआ था आइस से। इतनी आइस तो मेरे पास फ्रिज में भी नहीं थी जितनी उनके पास थी, और उन्होंने उसमें सब्जियां सारी रख रखी थी, टमाटर है और भी जो सब्जियां होती हैं, जैसे घिया है, ककड़ी है, सलाद है, सारी उन्होंने उसमें आइस बॉक्स में रख रखी थी। और साथ ही उन्होंने जो सब्जियां बनी हुई बच जाती हैं, या दाल है या सब्जी है, वो भी उस आइस के ऊपर ऐसे आइस बॉक्स में रखी हुई थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तो एक छोटा सा फ्रिज बना रखा है अपने घर में। तो बहुत आश्चर्य हुआ मुझे, उसका नींद नहीं आई। मैंने कहा इतनी तो मेरे पास ही बर्फ नहीं होती जितनी उनके पास फ्रिज ना हो के बर्फ थी। तो मेरा ये मतलब नहीं कहने का कि आप भी किसी से मांग के लाएं, या बाजार से भी बर्फ मिलती है, या आजकल तो अभी ऐसे में बर्फ नहीं ला सकते आप, आसपास आपके कोई हो तो उनसे बर्फ लेके आप इसमें आइस रख के और फिर आप अपनी सब्जियाँ रख सकते हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां जो आप पानी में भी रख सकते हैं, खुली हवा में रख सकती हैं, जो 2-3 दिन चल सकती हैं, तो उनको थोड़ा पानी छिड़क के रखें, जैसे भिंडी है उनको पानी छिड़क के रखते हैं, या ये जो आपकी मिर्ची वगैरह उनके डंठल काट के या
आइस बॉक्स में रख दें या किसी ठंडी जगह पर रख दें, या एक आजकल ऐसी छबड़ियाँ आती हैं तीन, जिसमें तीन बने हुए होते हैं, सब्जियों के लिए आती है, उसमें खुली सब्जी रख दें, आलू है, प्याज है, और जो खुली सब्जियाँ रख सकते हैं वो रख दें आप, और बाकी आइस बॉक्स ले लें, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, और इसमें आप आइस रख दें और फिर आप सब्जियों को रख सकते हैं। तो अभी तो मैं इतनी ही जानकारी दे सकती हूँ आप, क्योंकि मुझे याद आया कि उन्होंने कैसे रख रखी थी। तो सब मैं जाती हूँ किचन में, और आज खास कुछ बनाना नहीं है क्योंकि नाश्ता कर लिया था हमने, कल के पड़े थे छोले चावल तो वो खा लिए थे चाय के साथ, खींचे तल लिए थे, भूख ज़्यादा है। तो अभी मैं बनाऊँगी दलिया खिचड़ी, और उसके बाद साथ में ही बर्तन साफ कर लूँगी चाय नाश्ते। तो मैं आ गई हूँ किचन में, दलिया खिचड़ी बना रही हूँ। तरबूज मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया काटने, मेरा हाथ बहुत दुखता है, रोग बहुत हार्ड होता है, तो बोले कि तरबूज काट के दो, मैंने कहा आप काटो, उनको देख के आ गई। हाथ में बहुत जोर पड़ता है, तरबूज बहुत हार्ड होता है, तो आजकल आंधी बहुत आ रही है, सारी किचन भर जाती है मिट्टी से। तो ये दलिया को तो मैं सेक लेती हूँ, और दाल को थोड़ी सी पानी से भूनूंगी। देखो बिल्कुल सफेद सफेद हो जाता है, तो फिर इसमें पानी डाल देती हूँ। ऐसे इसमें खूब सारी सब्जियां भी डाल देती हूँ मैं कई बार, लेकिन आज सब्जियां कुछ नहीं है। मिर्च और टमाटर डाल दूंगी तो ये अच्छा हो जाता है। मुझे भी फैन साफ करना है किचन का, आज बेटी ने किया था, मेरी बेटी का चैनल है आपको मालूम होगा, तो उसने आज साफ किया था किचन का फैन, तो मेरी भी छोरी मैं ही साफ कर लेती हूँ। उनको तो कह गया कि थक गई, वो ना तो निकालते हैं स्टोर से और ना साफ करते, तो कल की वीडियो में आप देखना मैं भी साफ करूँ। साबुन से बर्तन पानी साबुन से झाड़ लिया, मैं इसके टुकड़े करके रखती हूँ, मेरी फ्रेंड थी उन्होंने बताया कि तवे को आधी गलने नहीं चाहिए, पूरी गल जाती है, देखिए आधी पहले यूज ले लो फिर आधी यूज ले लो, वो कपड़े धोने में गड़ी जाए तो मैं बर्तन मारने में गड़ लेती हूँ, तो आधी पहले यूज ले लूँगी फिर आधी फिर यूज कर लूंगी तो पूरी गलेगी नहीं। तो किचन का काम हो गया, खिचड़ी बन गई, बर्तन साफ हो गए, और मैंने इसको साफ भी कर दिया सारा।
मैं सारी रात को पहले ही साफ कर देती हूँ, फिर खाना खा के और एक बार और साफ कर देती हूँ। तो बर्तन साफ करके और फिर मैं वॉश बेसिन में हाथ साफ कर लेती हूँ, नहीं तो बदबू आने लगती हाथों में बर्तन साफ करने की। तो मैं एक बार हाथ जरूर धोती हूँ बर्तन साफ करके। अरे काम हो गया था तो मैं बस फली काटने बैठ गई थी। मेरी जो पहले की वीडियो थी स्किप हो गई थी फली वाली, इसलिए मैं फिर फली की सब्जी बना रही हूँ। तो बस मैं काकड़ी भी मिल गई थी मुझे गाड़े वाले से, तो आपको दिखाती हूँ काकड़ी कैसी होती है। ये होती है काकड़िया बोलते हैं इसको, काकड़िया। तो ये फली के साथ बनती है राजस्थान में, बहुत ही अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी सब्जी बनती है इसकी। शाम हो चुकी थी और दिया बाती का टाइम हो गया था। मेरे हस्बैंड अगरबत्ती कर रहे हैं और मैं काट रही हूँ फली, क्योंकि मैं रात को ही काट के रख देती हूँ जब भी फली बनानी होती है। तो बस मैं फली काट रही हूँ। तो मेरी व्यूअर्स ने बोला था कि आप दोबारा इस सब्जी को बताएं, तो बस मैं ये सब्जी दोबारा बना दूँगी कल। आपको इसकी रेसिपी कल की ब्लॉग में ज़रूर दिखेगी, और कल के ब्लॉग में तो मैं काकड़िया के साथ इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो